कश्मीर घाटी की ये तस्वीरें आतंकियों से लोहा लेते सेना के जवानों की है। ये गोलियों की आवाज आतंकियों के हौसले को तोड़कर उन्हें जहन्नुम पहुंचाने की है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की है। इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के दो आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। मारे गए दो आतंकियों के अलावा एक आतंकी को जिंदा भी पकड़ा गया है। मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान कर ली गई है। एक आतंकी का नाम साजिद है और दूसरे का बिलाल। ये दोनों आतंकी जैश के गजनवी फोर्स से संबंधित थे। ये आतंकवादी लगातार कोशिश कर रहे थे कि हमारे सर्च ऑपरेशन से बचकर निकल जाएं और या तो साउथ कश्मीर में चले जाएं या DDC इलेक्शंस के अंदर बाधा बन सके। आप जानते हैं कि इस इलाके में काफी बर्फ है, तो हमने हमें ये यकीन था कि ये जो आतंकवादी हैं ये निकलकर नहीं निकल पाएंगे। हमारे ऑपरेशंस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया और इनके भागने के सभी रास्तों को बंद कर दिया। इनको हमने आखिरकार पुशाना के इलाके में घेर लिया और इनको सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन इन्होंने हमारी पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कि हमें जवाबी कार्रवाई में इन पर फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग के दौरान दोनों आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए। इनसे दो AK-47, 6 AK-47 की मैगजीन, 300 AK-47 एम्यूनिशन, एक UBGL, एक थुराया सेट, 12 ग्रेनेड, 300 ग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल, 3 मोबाइल फोन और 26,000 रुपये कैश में बरामद हुए। भारतीय सेना आतंकवाद के खिलाफ देश की मुहिम पर प्रतिबद्ध है। मैं पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम इलाके की आवाम को शुक्रिया कहना चाहता हूं, जिन्होंने सही समय पर खबर देकर इस इलाके से आतंकवाद को खत्म करने में मदद दी। जय हिंद। मारे गए आतंकी कुछ दिन पहले ही नियंत्रण रेखा से होकर पुंछ में प्रवेश कर चुके थे। इसके बाद शोपियां और पुंछ को आपस में जोड़ने वाली दुरान पोसान इलाके के मुगल रोड के पास एक संयुक्त अभियान में सुरक्षा बलों और पुलिस का इनसे सामना हुआ, जहां इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इस साल की शुरुआत में ही एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि गजनवी फोर्स का गठन पाकिस्तान के ही जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन द्वारा किया गया। इसमें कई प्रशिक्षित आतंकी शामिल हैं जो भारत में पुलवामा हमले की तरह ही वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। घुसपैठ करने आए इन आतंकियों की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना पिछले कुछ दिनों से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रही थी। पाकिस्तानी सेना ने इस दौरान भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर गोलियां दागी, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की चौकियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना हमेशा से आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए सीमा पर युद्ध विराम का उल्लंघन करती आई है, ताकि वो इन गोलीबारी की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराकर भारतीय सीमा में भेज सके और भारत के अंदर अपने नापाक मंसूबों को वो अंजाम दे सके। लेकिन ये उसकी बदकिस्मती है कि भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरीके से चौकस सीमा की निगरानी में तैनात हैं और पाकिस्तान की तरफ से भेजे हर आतंकी को वो जहन्नुम का रास्ता दिखा देते हैं। पाकिस्तान के हर मंसूबे इसी कारण धरे के धरे रह जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।